नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। पिछले दिनों मैंने आपसे शेयर किया था कि सलीम ने बड़े साफ शब्दों में ये कह दिया कि शबनम ने जेल में जिस बच्चे को जन्म दिया है वो उसका नहीं है। वहीं उसने ये भी कहा कि वो कभी शबनम का प्रेमी नहीं रहा। ये तो थी उसकी बात, लेकिन ये कहना कि पॉपुलेट सलीम ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के पॉपुलेशन एडवोकेट हो एपी सिंह है। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जी। नमस्कार नमस्कार। सिंह साहब, अब जब सलीम ये कह रहा है कि शबनम ने जिस बच्चे को जेल में जन्म दिया है वो उसका बच्चा है ही नहीं, क्या ये बात उसको पहले नहीं कहनी चाहिए थी? क्योंकि उस पे जो चार्ज है, शबनम पर जो चार्ज है कि दोनों ने मिलकर के शौकत अली के परिवार को खत्म किया है और इसके लिए न्यायालय ने उनको फांसी की सजा भी सुनाई हुई है, तो ये सब क्या है? क्यों कह रहा है सलीम इस समय ऐसी बात? नहीं देखिए, अब ये कहना बहुत ही विडंबनापूर्ण है। पूरा ट्रायल चला, ट्रायल कोर्ट के जी बाद अनवल हाई कोर्ट मैटर चला, बहुत चांसेस थे। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड हुआ, उसके बयान हुए, 313 की एक स्टेटमेंट होता है। इसीलिए सीआरपीसी में कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी गई जिसमें भारत देश में सीआरपीसी का ऐसा प्रावधान है कि स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज भी होता है। और कब होता है? जब सारे पुलिस की गवाही, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, कंप्लेनेंट एविडेंस, सारी एविडेंस को लेती है पुलिस, सरकारी वकील, स्टेट कोर्ट, क्वेश्चन कोर्ट क्वारी सब कुछ हो लेता है, जो सारे चीजों का रिजल्ट निकलता है। उसके बाद एक्यूज को यह मौका दिया जाता है कि वो माननीय अदालत के सामने अपनी बात रखे। माननीय अदालत उससे सवाल करती है, और निश्चित तौर पर ऐसा सवाल जरूर किया होगा जो शबनम और सलीम के आपसी प्रेम प्रसंग, शारीरिक संबंध, प्रेगनेंसी कंसीव होने, बच्चे के जन्म, बच्चे से संबंधित अवश्य बात पूछी गई होगी। और उस समय इसने क्या उत्तर दिया होगा वो विषय जांचने का है, समझने का है। अगर सेशन अंडरवे सेशन कोर्ट में इस तरह के केसों में व्यक्ति नहीं कह पाता है, उसकी कोई बाध्यता होती है, कोई मजबूरी होती, तो अनवल हाई कोर्ट में अपील के समय वो बात, अपीलांट कोर्ट है हमारी अनवल हाई कोर्ट, वहां वो बात बहुत अच्छी तरह रखी जा सकती है। अनवल सुप्रीम कोर्ट में रखी जा सकती है। इतने फोरम हमारे, इतनी सीढ़ियां, इतने स्टेप हमारे संविधान निर्माताओं ने, अभी परसों हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई है 14 अप्रैल, और जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे हैं उनकी एक एक आर्टिकल, एक एक अनुच्छेद संविधान का, उसके आधार पे आईपीसी सीआरपीसी का, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अब इस मोड़ पर आके ये कहना कि जो बच्चा है सलीम सबनम का, ताज, मैं समझता हूं जहां तक नाम मैं ताज सही ले रहा हूं, ताज है वो बच्चा, उसका नहीं है। डीएनए टेस्ट करो, कितना बड़ा सवालिया निशान। पहला सवालिया निशान उस बच्चे के पितृत्व पे, पेरेंटेस पे। दूसरा सवाल पूरे केस को मोड़ देता है कि फिर बच्चा किसका, उसका पिता कौन। पिता की सच्चाई बताने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ और माँ की ही होती है। पिता को, किसी दुनिया के किसी पिता को नहीं पता होता है कि उसका पुत्र कौन है, और किसी पुत्र और पुत्री को नहीं पता होता है कि उसका पिता कौन है। केवल माँ ही ऐसी है, इसीलिए माँ का दर्जा महत्वपूर्ण माना गया है। माँ का दुर्गा देवी के रूप में, काली माता के रूप में, नवरात्रे के रूप में, धरती माता के रूप में, वसुंधरा के रूप में, माँ 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 भारत माता के रूप, कितने रूपों में माँ प्रमुख मानी गई है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है कि माँ ही बता सकती है कि उसके बच्चे का पिता कौन। अब उसने साफ कह तो दिया, बताया इतनी जाता है लीगल भाषा का सलीम प्रयोग किया इसमें गया, कोई डीएनए। जी डीएनए का मतलब ये होता है बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से, डीएनए का मतलब बिल्कुल साइंटिफिक मेथड हुआ। और बच्चा अभी ताज भी है, शबनम भी है, सलीम भी है, तीन में से ही डिसाइड होना है। अगर सलीम का नहीं निकलता है बच्चा, तो फिर शबनम बताएगी कि उसका असली पिता कौन है, कौन सा पिता है उसका, बायोलॉजिकल फादर कौन है। तो इस तरह से फिर वो एक और नई लड़ाई होगी। फिर उस व्यक्ति का शबनम से क्या संबंध था,
फिर उस व्यक्ति का इनसे किस तरह का संबंध था, वो व्यक्ति अब तक शबनम ने क्यों छिपा रखा था, क्या इन हत्याओं के पीछे वही व्यक्ति शामिल था, क्या इनका बाहरी दोस्ती मित्रता रिश्ता किस तरह का था, क्या शिकायतकर्ताओं ने इनको क्यों फिर इन्वॉल्व किया, क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह से जांच करने में फेल नहीं है, विफल नहीं है, क्योंकि ताज का डीएनए कराना, शबनम के बच्चे का डीएनए कराना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी, कोर्ट की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं थी, उसका केस से कोई मुतालिक संबंध नहीं था। जब शबनम सलीम तब तक नहीं था जब तक वो एक दूसरे के प्यार प्रेम को स्वीकार कर रहे थे, वो गर्भावस्था को सलीम के साथ स्वीकार कर रही थी तब तो ठीक था। अगर वो भी सवालिया निशान लगाती कि इस व्यक्ति को जो सलीम नाम का एक युवक है इसको क्यों मेरे साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसका मेरे से कोई संबंध नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई मित्रता नहीं, इसका पिता बच्चे का जो मैं गर्भवती हूं अजन्मा बच्चे का पिता भी कोई और है, वो बताना चाहिए। अगर वो नहीं बताना चाहती, वो भी उनके पास अधिकार था, शबनम के पास कानूनी अधिकार था कि मैं नहीं बताना चाहती। ऐसे भी बहुत से मामले आए जिसमें बच्चे के पितृत्व को बताना उचित नहीं समझा, तो वहां कोई बात नहीं, वो वैसे चल जाता है, माँ के नाम से ही चल जाता है, माँ का नाम चलता। बच्चे का जन्म जहां तक मैं समझता हूं जेल में हुआ, जेल के रिकॉर्ड में क्या सलीम का नाम लिखा गया, वहां पिता का नाम लिखा जाता है, माँ का नाम लिखा जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट में क्या बच्चे के पिता के में सलीम लिखा गया, ये विषय महत्वपूर्ण है। ये लिखा गया तो आज क्यों बोलने की नौबत आई, आज ऐसी कैसी स्थिति आई, क्या अब इन दोनों लोगों में लड़ाई हो गई, क्या आपस में जेल में रहते रहते फ्रस्ट्रेशन हो गया, क्या मानसिक तनाव हो गया। जी जी सलीम अब ये साबित क्या करना चाहता है और इसके बारे में कानून क्या कहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया है। नहीं देखिए, कानून तो समुंदर है हमारे देश का, लचीला कानून, जो जहां जिस तरह जैसा मोड़ना चाहता है उस पर विचार किया जाता है। कोर्ट के दरवाजे सदैव खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते, बड़ी अच्छी बात है, बहुत हमारा मतलब गौरवमयी संविधान है। जो कभी भी आपने देखा कई मामलों में, मैंने सर्वोच्च न्यायालय में, किसान आंदोलन में, किसान मूवमेंट में, सरकार ने बिल पास कर दिया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बिल पास कर दिया, कहा नहीं बिल लागू होंगे किसान बिल, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों की तरफ से सुनवाई की और रोक लगा दी, नहीं आपके महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर संसद भवन के बनाए हुए कानून पर मैं रोक लगाता हूं, नहीं चलेंगे, रोक लगा दी, और उन कानूनों को बाद में माननीय मोदी जी को वापस भी लेना पड़ा। ये हमारे कानून की विशेषता थी। हिजाब के मुद्दे पे, कई मुद्दों पे, कई मामलों पे, कई फिल्मों के उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करती है और बेबाक निर्णय करती है, कई राज्यों के झगड़ों में, कई राजनीतिक दलों के मामलों में, कई सांसदों विधायकों की सदस्यता के मामले में, कई विषय ऐसे आते हैं जो बड़े गंभीर होते हैं लेकिन उन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय बड़े खुले मन से सुनवाई करता है। इस मामले में भी अगर सलीम चाहता है कोई बात अपनी कहना और इतनी जिम्मेदारी के साथ इतनी वैज्ञानिक बात करना चाह रहा है जिसका सबूत अभी भी मिलेगा, डीएनए होगा सलीम का होगा, उस बच्चे ताज का होगा, मैच नहीं करता है, मैं कहता हूं केस को रीओपन होना चाहिए, री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि कौन था इसके पीछे, वही व्यक्ति हो सकता है उन सबकी हत्या में शामिल, हो सकता है सलीम का कोई रोल ना हो, हो सकता है शबनम का भी उसमें फिर कोई रोल ना हो, उस व्यक्ति ने और लोगों को लाके और भाड़े के लोगों को लाके हत्या कर दी हो, इन दोनों को भी ना पता चला हो, किसी को भी ना पता चला हो, केस में तो कुछ भी हो सकता है। खुले मन से इन्हें देखा जा रहा था कि ये शामिल है उसमें, इसलिए इनके साथ जोड़ दिया गया, ऐसा किया गया, जांच एजेंसी, हाई प्रोफाइल केस था, जिस केस में प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुंच जाएं, घटना स्थल पर पहुंच जाएं, सोचिए आप उसमें जांच एजेंसियों की कितनी हालत पतली हो जाती है, कितनी उनमें जल्दी हो जाती है, जस्टिस हरीड जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में किया गया न्याय न्याय नहीं रहता है, न्याय अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को खो देता है अगर जल्दबाजी में उसमें किया जाए। जब कहा जाता है 90 दिन हमें दिए जाते हैं सेशन ट्रायल केस में, मर्डर के केस में 90 दिन क्यों दिए जाते हैं चार्जशीट, क्योंकि उसमें दिन चाहिए, उसमें सजा उम्र कैद या फांसी की होगी, इसलिए उसमें पर्याप्त टाइम जांच एजेंसी को मिलना चाहिए, और उस जांच एजेंसियां टाइम लेना चाहती हैं तो उन्हें सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने का अवसर मिलता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने,
जी इसमें ये केस तो बहुत जल्दी खोल दिया गया था, 3 दिन में ही केस खोल दिया गया था, जैसा ये कि बहुत जल्दी मैं था और बहुत गलत भी जी था, ये उसी के परिणाम है। अभी मेरे पास कई मैटर ऐसे आए जिन्हें मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल रेप केस हो गए, 4 दिन में सजा कर जी दी, एक केस में 12 दिन में सजा कर दी गई, कन्विक्शन, 12 दिन में जांच, चार्जशीट, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, सब, एक केस में 28 दिन में काम पूरा कर दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगातार, ये पीछे से कई बार ऐसा हुआ, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय केसों को दोबारा रिट्रायल के लिए भेजा और कहा री इन्वेस्टिगेट कीजिए, रिट्रायल कीजिए, उसके बाद कीजिए, और ये जो आपने फैसला कर दिया सीधा सीधा फांसी उम्र कैद, ये नहीं चलेगा, और उसको आप तथ्यों के आधार पर पूरा प्रीट कीजिए और उनको पूरा टाइम दीजिए। ये नहीं मतलब है कि जस्टिस सॉरी जस्टिस जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल, ये भी हमारा देश कहता है, संविधान कहता है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल, लेकिन जस्टिस हरी जस्टिस वरी वो भी बात है। इसमें मैं समझता हूं जब ऐसी बातें आ रही हैं तो फिर बिल्कुल सत्य बात है, और इसीलिए मैं सदैव फांसी की सजा का विरोध करता हूं, क्योंकि फांसी की सजा के बाद कुछ बाकी नहीं रहता, कुछ तथ्यों की बात नहीं रह जाती। हमारे देश में चार्जशीट कैसे कैसे बन जाती है, किन किन प्रभावों पर, किन किन बातों पर एविडेंस हो जाती है, कैसे कैसे ट्रायल कंप्लीट हो जाते हैं, ये बड़ा बृहद विषय है, और इसीलिए जब अंतिम काम करने से पहले, फांसी से पहले, तो इन सब चीजों को देख ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वापसी का कोई चांस नहीं रहता। उस समय जो फांसी रुकी, आज ये इसके बाद ये आ रही है बात, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। न्याय की दृष्टि से देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत उससे नहीं देख रहा हूं कि सलीम को क्या हुआ, या ताज का पिता कौन होगा, या शबनम ने क्या किया, शबनम का किस तरह से किसके साथ क्या अफेयर, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जानता, वो निजता है। लेकिन आज निजता की बात नहीं है, आज दो जिंदगियों के सवाल की बात है, दो जिंदगियां फांसी के उस पर लटक रहे हैं, उस स्थिति में हैं, 7 लोगों की मौत का सवाल है, एक बच्चे की जो अभी नाबालिग है, उसके भविष्य की बात है, जिसने अभी दुनिया देखी नहीं है, जो अभी तक अपने पिता सलीम और मां शबनम को ही मानता रहा है। अब ये देखना होगा, मां तो शबनम है, सत्य है, क्योंकि जेल में डिलीवरी हुई, इसमें कोई बात पलट नहीं सकता, लेकिन मां बताएगी कि उसका पिता कौन है, ध्यान करके बताएगी, सोच के बताएगी, दिल खोल कर बताएगी, सच्चाई के साथ बताएगी, बिना किसी छुपाव के बताएगी। आपको याद होगा हमारे देश के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ नारायण दत्त तिवारी जी रहे, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के, जब उत्तराखंड भी उसी के साथ था, माननीय मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में उद्योग मंत्री, विभिन्न पदों पर रहे, और उसके बाद राजनीतिक जीवन के उतार पर विभिन्न राज्यों के गवर्नर रहे, देश के प्रदेश के महामहिम गवर्नर रहे, उनके पुत्र के विषय में भी यही बात आई, तब उनकी जो पीए थी, उनके उनके बेटा जन्म हुआ, उन्होंने रोहित शेखर रोहित तिवारी पर हुआ, तो उसने कहा कि मैं बेटा हूं, जी 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 वो भी उसमें हुआ, बायोलॉजिकल फादर, डीएनए टेस्ट कराना है, हॉनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, बहुत लंबा चला मामला और बहुत विषम चला, वो बात अलग है, आज नारायण दत्त तिवारी जी नहीं है और वो डीएनए कराने वाला बेटा भी नहीं है, और उससे शादी करने वाली जो उसकी पत्नी थी वो जेल में है, और नारायण दत्त तिवारी की जो क्लेम किया था, जिन्होंने वाइफ हूं और उस बच्चे की माँ है, वो बहुत बीमार और बहुत परेशान है, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, प्रकृति के हाथ में बहुत सी चीजें होती हैं जो हम आप पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, तो इसमें ये डिपेंड करता है, अब शबनम क्या सोचती है, शबनम क्या बताएगी। हाँ, कानूनी तौर पर मैं कहूं, सलीम को अधिकार है प्रॉपर कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके इसकी डिमांड करने का, और माननीय न्यायालय को उस पर सुनवाई भी करना चाहिए, और खुले मन से, खुले दिल से, क्योंकि किसी को वायस नहीं होना चाहिए। अगर न्यायालय, हमारी पद्धति, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मीडिया, ये वायस्ड हो जाएंगी ना, तो देश का भट्टा बैठ जाएगा। खुले मन के है ये, मीडिया चौथा स्तंभ, ये वायस्ड नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका बहुत मजबूत स्तंभ है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जांच एजेंसियों पे आजकल आरोप लगते हैं, दुख है, सीबीआई ईडी पे आरोप लगते हैं कि राजनीति से प्रेरित ये छापे डालते हैं, बड़ा दुख लगता है। ये ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो निष्पक्ष हैं, निडर है, निर्भीक है, इनको निष्पक्ष जांच करना चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बायस के, ये होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। अब मुझे लगता है ये केस भी इसी रास्ते पे चल पड़ा है, और आपकी मेहनत, आप तो इस केस पे, मनविंदर जी, आप तो बड़ी मेहनत करती हैं, आपका चैनल तो बहुत ज्ञानवर्धक रहा लोगों के लिए, आपके चैनल के द्वारा देश की संविधान के ऐसे ऐसे अनुच्छेद खोले गए,
उनमें अनुच्छेदों में छेद कर करके देख देख के खोले गए कि कहां तक क्या तक हो सकता है, सब कुछ किया। आपने बड़ी इस केस पर मेहनत की, आपने मुझे भी इसमें पूरी तरह सिंह सर, एक चीज और है, सलीम की अभी क्षमा याचिका पेंडिंग है, आप जान रहे हैं, ऐसे में उसका ये कहना खुद को बचाने के लिए एक अधिकार है क्या? ऐसे संलिप्त कर जो चीजें मेरा सवाल ये है कि सलीम की क्षमा याचिका भी पेंडिंग है और इस तरीके का सवाल उठाना क्या खुद को बचाने का एक हथियार है क्या? नहीं 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 नहीं, ये सवाल, इस सवाल से बच नहीं रहा कोई जी। इस सवाल से अगर सच्चाई सामने आ जाए, अगर वो उसका बायोलॉजिकल पिता है, डीएनए में आ गया जी, तो पक्का हो जाएगा और कि यही थे दोनों शामिल। हाँ, अगर नहीं आया, अगर उसे अपने पे विश्वास है, देखिए व्यक्ति भी जानता होता है कहाँ हमारे किससे संबंध रहे हैं। अगर हम ये मानते हैं कि डीएनए टेस्ट होता है और वो बहुत मजबूती से कह रहा है, उसने अपनी वकील को ये बात कही है कि मेरा डीएनए टेस्ट कराए, तो कोई ना कोई बात होगी जरूर, अगर वो इतनी बात कह रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि इतनी बड़ी बात वो कह रहा है। अगर सचमुच अगर वो उसका पिता नहीं है, फिर तो पूरा केस पलट जाएगा, क्या कहते हैं आप? ना कुछ कुछ क्या बहुत बड़ी बात है ये, कुछ ना कुछ थोड़ी, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा थोड़ी होता है। लेकिन ऐसे भी कोई कारण रहे होंगे जो अब तक नहीं बताया, वो क्या थे कारण अब तक ना बताने के, वो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसको वो छुपाना चाहता था, क्या कहीं वो असली व्यक्ति अब इस कोरोना काल में इतने दिनों में कहीं उसकी तो मृत्यु नहीं हो चुकी अब, जो अब पता ही नहीं चले अपराधी यही सजा काटते काटते हो गए, या उसको वो ये बचाना चाहता था इसलिए दूसरे व्यक्ति का आरोप, दूसरे व्यक्ति का अपराध भी इसने अपने ऊपर ले लिया हो, ऐसे भी कई केस होते हैं। इसी जांच एजेंसियों को बड़ा निष्पक्ष होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं इस देश में जो दूसरे के अपराध को अपने सिर पर लेने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाते हैं, कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है इन दोनों के बीच का हो, जो एक एक वो अपराधी असली जिसको बचाने के लिए लोगों ने अपने को दांव पे लगा दिया जी। एक एक मैं और ऐड ऑन करना चाहती हूँ इसमें, जिस समय इन केसेस की सुनवाई हो रही थी, बीच बीच में एक दो बार सलीम और शबनम का सामना होता है, और लोअर कोर्ट के दौरान ही इनकी आपस में बड़ी लड़ाई हो गई थी। सलीम ने ये कहा कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे ही शबनम ने भी ऐसी बात की, इस बात के कई गवाह हैं। तो उसका ये कहना है, मैं तो पहले से कहना चाह रहा था लेकिन मेरे को मुंह नहीं खोलने दिया जा रहा था। हालांकि ये नहीं, भी 313 का स्टेटमेंट जी, 313 का स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या सवाल के जवाब दिए गए, उसमें कोई लड़ाई की नहीं बात होती वहां, सब सवाल उसमें क्या होता है 313 स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, ऑनरेबल कोर्ट सवाल पूछती है और अपने आप मुलजिम जवाब देता है कटघरे में खड़ा होकर, और जज साहब ही लिखवाते हैं। उसमें ना किसी वकील का रोल होता है, ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल होता है, ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल होता है। सब सवाल पूछने के बाद ऑनरेबल कोर्ट कहती, क्या कुछ तुम अपने बचाव में और भी कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम अपने बचाव में कोई गवाह देना चाहते हो, सबूत देना चाहते हो, तथ्य देना चाहते हो, कागज देना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो? देखिए, जिस केस में ट्रायल कोर्ट फांसी की सजा करने का मन बनाने लगे, क्योंकि ट्रायल के समय भी मन बन जाता है, और 313 का स्टेटमेंट लास्ट स्टेज होता है, उसके बाद तो फाइनल आर्गुमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं अनरेबल कोर्ट भी सारे सवालों का जवाब समाहित करती है, तो उसकी तरफ से भी कोई किसी का जीवन लेना आसान नहीं है। अनरेबल कोर्ट कोई वो नहीं है कि किसी कीड़े मकोड़े का जीवन नहीं लिया जाता है, ये व्यक्तियों का जीवन लिया जाता है। इसलिए अनरेबल कोर्ट सदैव सवाल पूरे ढंग से पूछती है और उस समय उन्हें कह देना चाहिए। लेकिन इस देश में कानून की नॉलेज ना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लीगल अवेयरनेस हमारे लोगों में नहीं है, जेल के लोगों में लीगल अवेयरनेस नहीं है,
क्या पता उसे डीएनए का पता ही ना हो, क्या पता जेल में रहा और जेल से पहले उसे क्या मतलब डीएनए, डीएनए का कितने लोग अभी जानते हैं, प्रोनाउंसिएशन कितनी होती है, फुल फॉर्म डीएनए की कौन जानते हैं, कितने लोग डीएनए का प्रयोग कितना जानते हैं। उसने अभी अभी पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी की है, अब वो इस समय डबल एमए हो गया, तो हो सकता है उसे अंदर से ज्ञान आया हो कि मैं इस इसको अवेल करूं। अरे डबल एमए डीएनए या सीएफएसएल या और चीजों की नॉलेज नहीं देती है, डबल एमए तो एक अलग विषय है, लीगल शब्द हो, लीगल नॉलेज होती है, लीगल एक्सपर्टनेस होती है, और उन लोगों को तो रखा भी अलग जाता है, फांसी के मुलजिमों को रखा भी अलग जाता है एकदम, वो नॉर्मल उन्हें सबके साथ नहीं रखा जाता जो वहां बातें कर लें और वो कर लें, तो लेकिन हो सकता है उसकी रही हो, लेकिन सच्चाई अब सामने आनी चाहिए। अगर लड़ाई हो जाती तो इसका मतलब सलीम को झूठा ही फंसाया गया। अब बाहर के लोगों तो यही पता, शबनम सलीम दोस्ती थी, प्यार था, प्रेग्नेंट थी, बच्चा था, दोनों ने प्यार किया, प्यार के चक्कर में मार दिया, उनकी प्रॉपर्टी के चक्कर में मार दिया, कुछ खिला दिया, पहले पिला दिया, उसके बाद सबको काट दिया, यही कहानी बताई गई, यही जांच एजेंसियों को पता है। जांच एजेंसियों ने हड़बड़ाहट में, शायद ऐसा हो सकता है, मैं समझता हूं, अब आज ऐसी खबर सुन के अगर जांच अधिकारी अपने पद पर, हो सकता ना हो, पदमुक्त हो चुके हों, रिटायर्ड हो चुके हों, लेकिन वो भी बहुत सोच रहे होंगे, उस समय के एसपी भी सोच रहे होंगे जिनके पास रिपोर्ट जा रही होगी, आपकी आपका तो चैनल उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है, नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे आपके दर्शक हैं और ज्ञानवर्धक दर्शक हैं, जो शांति देखना चाहते हैं, ज्ञानवर्धक चीजों को देखना पसंद करते हैं, वही आपके दर्शक हैं, और आप बड़ी मेहनत करके चीजों को निकाल के लाती हैं, और इसलिए सब आपकी सराहना करते हैं, और जो भी इस केस से जुड़े हुए होंगे, मैं तो जब आपने ये बात रखी मैं बड़ा सरप्राइज रह गया, मैं बड़ा सोचते रह गया, 23-24 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए, यहाँ का लाइफ टाइम परमानेंट मेंबर हूं मैं, और कई केसेस इस तरह के देखे हैं, लेकिन अभी मैं सीख रहा हूँ आपके इस सवाल के बाद, क्या ऐसा हुआ, मैं खुद सोचने लगा कि अभी मैं कितने साल और सीखूंगा, ये सवाल था, ये सवाल मैंने भी आपके साथ कई डिबेट की, इसमें मैं भी नहीं, इस बात में मैं अपनी भी चूक मानता हूं, मैं भी ये बात नहीं, कहने का कारण ये था, इसके पीछे भी कई कारण थे, एकदम किसी बच्चे के इसका सिंह साहब, जिस समय मैंने इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की तो उन्होंने मुझे सवाल उठा ये वाली बात बताई, उन्होंने मुझे ये बताया कि जिस समय सेशन कोर्ट से सजा होती है, जैसा कि आपने बताया, तो जज साहब ने शबनम और वकील से पूछा, लेकिन वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये वाला सवाल जज साहब ने कहा कि आपको ये सजा दी जा रही है, आपको कुछ कहना है, तो दोनों लोगों ने ये कहा उनकी मौजूदगी में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मौजूदगी में ये वाली बात कही कि नहीं, आपने जो सजा दी है हमें मंजूर है। ये बात खुद मुझे उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताई। आप जिनके लिए कह रहे हैं कि वो अब शायद रिटायर हो गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो इस समय रिटायर हो चुके हैं। हाँ, वो केस के आधार पे हम लोग आइडिया लगा लेते हैं, उनकी सीनियरिटी के आधार पे सामाजिक जीवन में पता रहता है, हमारे भी सब मित्र हैं तो बताते रहते हैं, लेकिन विषय ये है, ऐसा नहीं है, जांच एजेंसियों का अपना अलग काम हो जाता है, जांच एजेंसियां सदैव अपनी बात को साबित करने के लिए फिर उसी पुलंदे को मजबूत करती चली जाती हैं, उनको पुख्ता करती चली जाती हैं, अपने बनाए हुए महल को ही ऊंचा करते चले जाते हैं, जो उन्होंने बेस बना लिया होता है, बेस बनाने के पीछे राजनीतिक कारण होते हैं, मैं समझता हूं किसी भी केस में प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहुंचना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है, राजनीति होनी नहीं चाहिए, मैंने हाथरस प्रकरण में भी कहा, जब मैं मुलजिमों की तरफ से गया मैंने कहा हाथरस प्रकरण में राजनीति बदलने की बात की जा रही है, हाथरस के दौरान आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को हटाने की बात करने लगे, ये कैसा केस है, ये कैसी जांच है, किस तरह का आप दबाव बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किस जांच को जांच ही रहे, हैदराबाद प्रकरण में हुआ, हैदराबाद में आरोपियों को गोली मार दी गई, हैदराबाद में
आरोपियों को गोली मार दी गई, सिद्ध नहीं हो पाया, चार्जशीट नहीं फाइल हो पाई, टीआईपी नहीं हो पाई, ट्रेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हो पाई और उससे पहले केस को निपटा दिया गया। लोग फूल बरसाने की बात कोई प्रकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस जिस थ्योरी को बना लेती है उससे फिर पलट नहीं पाती, वो जान जाती है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे आयु हमारे मित्र हैं जांच एजेंसियों के अधिकारी कहते सिंह साहब बस बड़ा पाप हो रहा है मेरे, बाद में पता चला, अब हम इसको आगे बढ़ा चुके हैं। इतनी बातें हैं, ये सच्चाई है जीवन में। हमारे देश की जांच एजेंसियों को आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल पूरी परालक्षित के धुले हुए किस तरह के हैं। ये चीजें हमारे सामाजिक जीवन की हैं और उनमें होना चाहिए और ऐसा देखा जाना चाहिए कि मानना चाहिए, होना क्या चाहिए, जब पता चल गया अब इस पर फिर से जांच होनी चाहिए, डीएनए होना चाहिए, तुरंत डीएनए होना चाहिए, तुरंत डिस्क्लोजर लेना चाहिए, पूछना चाहिए शबनम को कि अब बताओ शबनम ये तुम्हारा लड़का जो है किसका, इसका बाप कौन है, तुम बताओगी, तुम्हें बताना होगा, और लोगों से सस्पेक्टेड का डीएनए लिया जाए। डीएनए तो भगवान ने शरीर को बनाने में बहन जी कोई कसर नहीं छोड़ी है, वो शरीर बनाया है तो आवाज तक मैच करा देता है अपने पिता की, लंबाई चौड़ाई चेहरा रंग रूप आंखें नाक बाल गंजापन सब कुछ ला देता है अपने पिता के। एक बूंद होता है गर्भधारण के समय, उसमें इतनी प्रकृति ने दी है शक्तियां ताकतें दी है, पूरा 6 फुट के इंसान को खोल के रख देता है वो। बता एक और बड़ा सवाल आए दिन आता है, शबनम भी ये डिमांड कर रही है कि मेरा केस रीओपन किया जाए और पूरे मामले की सीबीआई की जांच की जाए। उधर सलीम भी कह रहा है कि इस पूरे मामले को रीओपन किया जाए, सीबीआई की जांच की जाए और मेरा डीएनए टेस्ट किया जाए। तो सीबीआई की जांच करने के लिए कानून क्या कहता है? मतलब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या इस केस की सीबीआई जांच हो सकती है उन लोगों के द्वारा डिमांड करने पे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है। वैज्ञानिक पद्धति से बहुत है ऊपर की कला जी, ऐसा लग रहा है कि सिंह साहब का संपर्क टूट गया है, तकनीक ऐसी ही है इंटरनेट की, कभी भी ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। अक्सर दर्शकों ने मेरे कमेंट सेक्शन में ये पूछा कि क्यों नहीं डीएनए का टेस्ट हो रहा सलीम का, क्यों नहीं शबनम की जो डिमांड है कि पूरे मामले की सीबीआई की जांच कराई जाए। इसी मसले को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं सिंह साहब से। सिंह साहब का फिर से संपर्क हो गया है हमसे। हम ही सीख ले सब ने। जी सिंह साहब जी 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 आप मेरा सवाल तो समझ पाए? बताइए फिर से एक बार बता दीजिए। शबनम और सलीम एक बार फिर से कह रहे हैं कि पूरे केस को रीओपन किया जाए, साथ ही वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इसको सीबीआई से जांच कराई जाए इसकी। तो कानून क्या कहता है, मतलब क्या ये संभव है आम भाषा में? नहीं, इस देश में संभव सभी, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग हार्ट। इस देश में असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है। डेड बॉडी उखाड़ ली जाती हैं, गड्ढे में खोद के निकाल ली जाती हैं, अस्थियां बही हुई रोक ली जाती हैं, उनमें से डीएनए होता है। भ्रूण जो भ्रूण होता है उससे डीएनए होता है। कई चीजें हैं वैज्ञानिक बायोलॉजिकल हैं, बालों से पता चल जाता है एक इसके किससे किससे मैच कर रहे हैं, सब कुछ चीजें हैं। वो सब वो हो सकता है और होना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर ऐसे लैप्सेस रहे तो सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए जी, और सीबीआई से जांच होके इसका रिट्रायल होना चाहिए और रिट्रायल होने के बाद आगे डिसीजन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं न्याय में कोई एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, अगर सलीम निर्दोष है तो उसे आप बताइए तो उसे पता तो चले, निर्दोष है तो बताओ, दोषी है तो बताओ, कहने में क्या बुराई है कि तुम निर्दोष थे, हमने तुम्हारे इतने साल जिंदगी के लिए कोई बात नहीं। वो बुरा थोड़ी मानेगा, वो तो जेल में रह लिया, वो क्लेम थोड़ी करेगा कि मैं जेल में क्यों इतने दिन रहा, क्या रहा, हो गया
ठीक है, आगे आओ, बाहर आओ, जिंदगी बची तो, लेकिन होना चाहिए। लेकिन असली दोषी कहीं नकली दोषी के चक्कर में, असली दोषी जो बचे बैठे हैं वो कितने खुश हो रहे होंगे कि इनको फांसी होगी और हम बचे बैठे हैं हत्या करने वाले। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए। उस सब में कभी ये नहीं कहा गया शिकायतकर्ता को ही न्याय मिलना चाहिए, ये नहीं कहा गया न्याय विक्टिम को ही मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि अक्सर वो ये बात करते हैं कि सिंह साहब जो कहते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले का रीओपन हो, जैसा कि आपसे मैंने सवाल भी किया और आपने जवाब दिया इसका। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे किसी और विषय पे, किसी और मुद्दे पे हम बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।